शिव की साधना के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारधाम पहुंच रहे हैं। यहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे केदारनाथ की, और इसके अलावा एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और भी जो कार्यक्रम उनका होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं मेरे साथ स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु मौजूद हैं, राजकुमार शास्त्री वेदों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अजय गौतम जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जेके बेनीवाल जी धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और महंत नवल किशोर दास धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जिस तरीके से साधना करते हैं शिव की, उसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 27 साल बाद पिछली बार 6 महीने पहले कोई प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचा था, और एक बार 6 महीने के भीतर फिर से केदारनाथ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसके क्या मायने हैं, साथ ही केदारनाथ के क्या मायने हैं वहां पर पहुंचने के, वहां पर पूजा अर्चना के क्या मायने हैं, साथ ही आदि शंकराचार्य की जो समाधि थी उसका एक बार पुनर्निर्माण किया जाएगा, उसकी नींव भी आज प्रधानमंत्री रखेंगे, यानी कि उसकी आधारशिला रखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, जरा एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं कि केदारनाथ की धारणा, इसका महत्व, और प्रधानमंत्री कह ये भी रहे हैं कि गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि शिव में उनकी आस्था है और उनको लगता है कि अगर वो शिव की आराधना कर लें तो चुनाव क्या बड़े से बड़ा जंग वो जीत लेते हैं। शंभु का अर्थ ही शुभ करने वाला है, तो शिव हमेशा शुभ ही करते हैं, और जो भोलेनाथ हैं जो उनके दरबार में जाते हैं उनको आशीर्वाद सदा मिलता ही है। हमारे यहाँ केदारनाथ के संबंध में कहा गया है, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तट हिमालय तु केदारम। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है जो स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी ने इनको बनाया नहीं, ये परमात्मा के आशीर्वाद का साक्षात प्रतीक है कि भक्त की आकांक्षा के भक्त की भक्ति को देखते हुए भगवान स्वयं उन इन क्षेत्रों में द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए और तमाम भक्तों की मनोकामनाओं को सिद्धि करने के अद्भुत रास्ते परमात्मा ने बनाए हैं। तो इन सब द्वादश ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में भगवान शिव साक्षात सौराष्ट्र में विद्यमान है, केदारनाथ के अंदर साक्षात भगवान शिव नर नारायण आदि ने कहा जाता है कि पहले वो पार्थिव पूजा करते थे भगवान की और उसके बाद साक्षात भगवान शिव ने स्वयं उपस्थित होकर वहां पर उनको दर्शन दिए और अपना पार्थिव शिवलिंग वहां की जगह वहां पर स्वयं उपस्थित हुए। तो ऐसा ज्योतिर्लिंग है वो कि जो तमाम मनोकामनाओं की सिद्धि देता है और अनादिकाल से अनेक अनेक भक्तों ने वहां साधना कर उनके दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना की पूर्ति पाई है। तो जो भक्त उनके दरबार में जाते हैं उन सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो पहली बार भारत का सौभाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हिंदू अपने माथे को तिलक लगाने से भी नहीं कतराता, नहीं तो बहुत हमें बहुत सारे महात्मा ऐसे देखे हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स कि जो केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। पहला बार हमारे देश का सौभाग्य है कि हिंदू ऐसा व्यक्ति मिला हमें कि जो हिंदू धर्म को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है और उसको अपना रहा है। यानी बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने तो ऐसा भी कह दिया कि हम हिंदू जो है इस प्रकार से बने हैं कि जो भाई मिस्टेक हिंदू है, परंतु हमारे प्रधानमंत्री का भारत पंडित अजय गौतम जी भी हमारे साथ स्टूडियो में। अजय गौतम जी, क्या जैसा कि कह रहे हैं कि हिंदुत्व से इसको जोड़कर देखने की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि जैसे देश का कोई प्रधानमंत्री है उसकी भी एक अपनी जो फंडामेंटल राइट है, जो उसके अपने धार्मिक अधिकार हैं, वो उसके भी सुरक्षित हैं। भले ही प्रधानमंत्री हैं लेकिन भारत देश के नागरिक पहले हैं तभी प्रधानमंत्री बने, इसलिए जो उनकी आस्था जिस भी देवता के प्रति है वो उसके लिए करने के लिए स्वतंत्र है। और मैं अपने कथन का जो है उद्बोधन, जो रावण ने भगवान शिव की स्तुति के लिए शिव तांडव की रचना करी थी, मैं उससे करना चाहूंगा कि जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। भगवान शिव, देखिए शिव को अगर समझना हो तो शिव का मतलब है जो साधारण है वो शिव है, जो कण कण में जो है वो जो शिव है। इसीलिए कहा गया कि सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कन्दम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम
शरणम प्रपद्य, पूरे विश्व के जो नाथ हैं, पूरे विश्व के अंदर जो सृजन को करते हैं, क्योंकि देखिए शिव का दूसरा पर्यायवाची माना गया शव, यानी कि जब व्यक्ति परम मोक्ष की तरफ प्राप्त होता है तो दोबारा से जब जीवन को सृजन करना हो तो भगवान शिव है। भगवान शिव वो है जिन्होंने तटस्थ भाव से, अगर देवता उनके पास गए उन्हें भी आशीर्वाद दिया, दानव उनके पास गए उन्हें भी आशीर्वाद दिया, यहां तक कि भस्मासुर को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया जिसने भगवान शिव को ही भस्म करने का ठान लिया था। भगवान शिव जिनको भोले शंकर कहा गया, भोले जो मन से बहुत भोले हैं, और मन से बहुत शांत हैं, जो भी उनके पास जिस श्रद्धा से जिस भाव से जाता है हमेशा उनको उसी रूप के अंदर उनके दर्शन मिलते हैं। और केदारनाथ की जो महिमा है वो बड़ी विचित्र महिमा है, क्योंकि केदारनाथ में शिवलिंग का जो पूजन किया जाता है वह शिला के रूप में पूजन किया जाता है। ये माना जाता है कि जो केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है उसके दो हिस्से हैं, जो धड़ है वो केदारनाथ जी में है और जो सर है वो नेपाल के पशुपतिनाथ जी में है। इसलिए ये जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसमें केदारनाथ जी अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर कि ज्योतिर्लिंग का जो रूप स्वरूप है वो शिला के रूप में है और घी से वहाँ पर अभिषेक करने की एक परंपरा रही है। बहुत ही अद्भुत, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि बहुत ही अद्भुत है इस तरीके का जो वहाँ पर केदारनाथ में जब दर्शन करने के लिए कोई जाते हैं और वहाँ की जो महिमा, क्योंकि देखेंगे शंकराचार्य जी ने अगर अपने प्राणों को छोड़ा था तो वो केदारनाथ जी में छोड़ा था, और केदारनाथ जी पे समय समय पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहीं, लेकिन वो मंदिर आज भी जैसे धर्म अपने आप को जीवित रखता है ऐसे वो मंदिर अपने आप में धर्म के प्रतीक के रूप में आज भी हम सबके सामने खड़ा है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, और आप जो बात कर रहे हैं कि जो त्रासदी 2013 में आई थी उसके बाद भी किस तरीके से केदारनाथ की यात्रा लगातार भक्त करते रहे, और न सिर्फ भक्त बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इस स्थल को कैसे जीवित किया जाए उसका पूरा प्लान पेश कर दिया था। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु। अब महंत नवल किशोर दास जी, प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो सौगात भी लेकर जा रहे हैं, वो न सिर्फ दर्शन करेंगे बल्कि इस धर्मस्थल का कैसे पुनरुद्धार किया जाए, कैसे इस धर्मस्थल को जीवित किया जाए, कैसे इसका विकास हो, कैसे इस पर पहुंचने वाले लोग जो भक्त होंगे उनको सहूलियत हो, उनका भी वो ध्यान रख रहे हैं। आशुतोष तुम अवरदानी आरति हरहो दीन मोजानी। देवादेव महादेव भगवान के स्थान पर चाहे कोई सामान्य जाए, चाहे कोई किसी उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जाए, वहाँ उसकी निश्चलता, उसकी निजता जितनी पवित्र और दिव्य होगी, निसंदेह उसको उतना आत्म सुख मिलेगा, आत्म बल मिलेगा। हाँ, देश का कोई उच्चस्थ पदासीन व्यक्ति या कोई वरिष्ठ व्यक्ति जाता है तो आम जनमानस की श्रद्धा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस पद पर आवश्यकता होने के उपरांत तो लोगों की श्रद्धा में उनकी कृति को देखते हुए वृद्धि हुई है, समर्पण हुआ है, और स्वयं मोदी जी अंदर से भक्ति से ओतप्रोत हैं। वो जहाँ भी जाते हैं तीर्थों में, वहाँ उस तीर्थ का दर्शन करते हैं, वहाँ अवगाहन करते हैं, और अपने आत्म सुख तक नहीं पूरे भारत के लिए, भारत की समस्त जनता के लिए आत्म सुख मिले, आत्म मिले, आत्म बल मिले, हम आध्यात्मिक उत्साह से ओतप्रोत हो जाएं। और हमारी तो स्वाभाविक स्थिति, हम तो घर में भी पूजा करते हैं, तो कभी हमने ये नहीं कहा कि केवल दिल्ली वालों की मुक्ति हो, भारत वालों की मुक्ति हो, हम तो वहाँ भी यही बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। तो क्योंकि वसुदेव कुटुंब की परंपरा मानने वाला सनातन ही है, और निसंदेह सनातन अवलंबियों को एक ऐसा व्यक्ति श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में हमें ऐसे एक व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने अपनी, हम ये नहीं कहते इससे पहले भी लोग भक्ति करते होंगे पर वो कहीं ना कहीं एकांतिक करते थे, छिपाते थे, उन्हें लगता था कि कहीं दूसरे लोगों को क्या लगेगा, पर एक व्यक्ति ऐसे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिले हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं को कभी सीमित नहीं किया, संकुचित नहीं किया, एक व्यापकता के रूप में जो है वो इसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो निसंदेह उनका ये इस प्रकार का ये कृत्य, इस प्रकार की उपासना, इस प्रकार का तीर्थाटन हम सब के लिए भी अनुकरणीय, अनुसरणीय है, क्योंकि राजा जैसा कृत्य करता है वैसी प्रजा पर असर पड़ता है।